नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार, पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट, नवीन ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आपके प्यार और दुआओं के कारण आज नवीन ज्योतिष चैनल में 350 से अधिक वीडियो हैं, 14,000 से अधिक सब्सक्राइबर हैं, 32 लाख से अधिक व्यूज हो चुके हैं, जिसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मेरी 7 पुस्तकें प्रिंट हो चुकी हैं, 3 पुस्तकें अंडर प्रिंटिंग है। आपके लिए एक गुड न्यूज है, दिल्ली में लगभग 20 साल से एस्ट्रोलॉजी टीचिंग कर रहा हूं, जिसमें मैं एस्ट्रोलॉजी के अलावा पामिस्ट्री, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो रीडिंग, हैंडराइटिंग एनालिसिस, जेमोलॉजी सारे कोर्स करवाता हूं। मैंने अब मुंबई में एक इंस्टीट्यूट ओपन किया है। यदि आप दिल्ली या मुंबई में एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं या पूरे वर्ल्ड के किसी भी सिटी में बैठकर कोरेस्पोंडेंस कोर्स या डिस्टेंस लर्निंग कोर्स करना चाहते हैं या ज्योतिष सीखना चाहते हैं, वो मेरे मोबाइल नंबर 9711079544 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं या मेरी बुक्स मंगवाना चाहते हैं, तो कंसल्टेंसी फी और कॉस्ट ऑफ बुक्स जमा कराकर बैंक में नीचे दिए लिखे बैंक अकाउंट्स में जमा करा के मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार, पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट, नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। नक्षत्रों की इस सीरीज में आज मैं आपको स्वाति नक्षत्र के बारे में बताता हूं। नक्षत्र मंडल में स्वाति नक्षत्र को 15वां स्थान प्राप्त है। इसका स्वामी ग्रह राहु है। यह तुला राशि में 6:40 से 20 डिग्री तक आता है। स्वाति नक्षत्र को लाल मणि जैसे मूंगे द्वारा चित्रित किया गया है। स्वाति नक्षत्र का देवता वायु को माना गया है। वायु में हिलना डुलना, अनस्टेबिलिटी, चंचलता, यात्रा करना आदि गुण पाए जाते हैं। स्वाति नक्षत्र वायु का मंद मंद सुखदायी झोंका है। स्वाति नक्षत्र जीवन में सुख सुविधाएं देता है, जीवन में शांति होती है। स्वाति नक्षत्र के जातक मौलिक विचारों के धनी होते हैं, इंडिपेंडेंट सोच होती है, कल्पनाशील होते हैं, सत्य बोलते हैं, साहसी पराक्रमी होते हैं। स्वाति नक्षत्र कसाई जाति का नक्षत्र है। स्वाति नक्षत्र में तामसिक गुण होते हैं। स्त्री जाति का नक्षत्र है। शरीर के अंगों में स्वाति नक्षत्र को छाती का आधिपत्य प्राप्त है। यह वायु वर्ग का नक्षत्र है। स्वाति नक्षत्र में आने वाले नाम के अक्षर रा, रे, रो, का है। स्वाति नक्षत्र कफ प्रधान नक्षत्र है। स्वाति नक्षत्र का राशि स्वामी शुक्र है तथा नक्षत्र का स्वामी राहु है। जातक हसमुख, मिलनसार, अट्रैक्टिव होता है, धनवान होता है, प्लानिंग बनाने में बहुत एक्सपर्ट होता है, लेकिन तुला राशि में सूर्य नीच का होता है, जिससे जातक में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है। लेकिन अपने टैलेंट के बल पर अपनी अलग इमेज बनाने की कोशिश करता है। पेशेंस अधिक होती है,
लॉन्ग टर्म प्लानिंग बनाते हैं। स्वाति नक्षत्र के चार चरण होते हैं। स्वाति नक्षत्र का पहला चरण तुला राशि में 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री तक गुरु के धनु नवांश में पड़ता है। इस चरण में जन्मे जातक बहुत जिज्ञासु होते हैं, राइटर अच्छे होते हैं, ट्रेवल मैनेजमेंट में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, अपने इमोशंस को शो करते हैं, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। स्वाति नक्षत्र का दूसरा चरण तुला राशि में 10 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट तक शनि के मकर नवांश में पड़ता है। इस चरण में जन्मे जातक बहुत मेहनती होते हैं, माइंड बहुत स्टेबल होता है इनका, काम के प्रति बहुत ईमानदार होते हैं, बिजनेस माइंडेड होते हैं, कभी कभी स्वार्थी भी हो जाते हैं। स्वाति नक्षत्र का तीसरा चरण तुला राशि में 13 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट तक शनि के कुंभ नवांश में पड़ता है। जातक में क्रिएटिव कार्य करने की प्रवृत्ति होती है, हमेशा नई नई बातें सीखने के लिए बहुत इंटरेस्टेड रहता है। स्वाति नक्षत्र के तीसरे चरण में जो भी ग्रह होते हैं वह जातक को सफलता देते हैं, मान सम्मान में वृद्धि करते हैं। बुध शुक्र और शनि स्वाति नक्षत्र के तीसरे चरण में यदि स्थित हो तो स्ट्रांग हो जाते हैं और शुभ फल देते हैं। फोर्थ, स्वाति नक्षत्र का चौथा चरण तुला राशि के 16 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री तक गुरु के मीन नवांश में होता है। ये इस चरण में जन्मे जातक बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, अपने आप को हर सिचुएशन में ढाल लेते हैं, हवा का रुख देखकर अपनी पॉलिसीज चेंज कर लेते हैं। जातक मिलनसार बहुत होता है, मेहनती बहुत होता है, प्लानिंग बहुत बनाता है। यह पुष्कर नवांश है। स्वाति नक्षत्र में जन्मे जातक बिजनेसमैन होते हैं, स्पोर्ट्स के फील्ड में काम करते हैं, सिंगर न्यूज़ रीडर बन सकते हैं, लॉयर जज बन सकते हैं, आईटी सेक्टर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं, ट्रैवल एजेंट या एरोप्लेन से संबंधित कार्य भी कर सकते हैं, होटल मैनेजमेंट में एक्सपर्ट होते हैं। स्वाति नक्षत्र में सोशल सर्विस करना, बिजनेस से रिलेटेड कार्य करना, फाइनेंशियल लेन देन करना, सेल परचेज करना, विद्या आरंभ करना शुभ माने जाते हैं। स्वाति नक्षत्र में कोई लिटिगेशन नहीं होना चाहिए, ट्रैवलिंग नहीं करनी चाहिए, किसी से भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। स्वाति नक्षत्र के शुभ फल प्राप्त करने के लिए सरस्वती माता की पूजा अर्चना करनी चाहिए, हल्के रंग के कपड़े या वाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए। नमस्कार।